ना चाहते हो या नहीं चाहते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आजीवन सदस्यता नहीं रखी, उसको भी मौका देते हैं कि 6 साल के बाद आप तय करो आगे के 6 साल रहना चाहते हो या नहीं चाहते। और दूसरा, पार्टी के विस्तार के लिए सदस्यता होती है जिसमें 20% सदस्य बढ़ाने, तो इस 3 साल के अंदर हमारा पार्टी के विस्तार वाला सदस्यता है, जो सदस्य बने हैं उनको सदस्य नहीं बनना है, मगर नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है। मैं गत संगठन पर्व में भी अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह जी गृहमंत्री बने, उनकी जगह मुझे अध्यक्ष बनाया गया, नामित किया गया, मैं यहां संगठन पर्व के चुनाव में आया था, 20 लाख का लक्ष्य रखा था, 18 लाख सदस्य बने, 2 लाख कम रह गए थे, मगर फिर भी बहुत अच्छी सदस्यता तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी। अभी मैंने पूछा श्रीमान मुरलीधर राव जी को कि भाई क्या लक्ष्य रखा है, तो उन्होंने कहा 12 लाख का लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है सोचने में तेलंगाना यूनिट थोड़ी कंजूस ही कर रहा है, 12 लाख नहीं चलेगा, 20 से 18 लाख सदस्य तेलंगाना में बनाने हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तेलंगाना के हर जिले में सदस्यता कराने आने के लिए। ये प्रदेश के अंदर हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, बहुत सारे नए साथी जुड़े, सार्वजनिक जीवन के बड़े बड़े नेता जुड़े, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, ये सभी को सदस्य बनाना है, हमारी ताकत की वृद्धि करनी है, और इसलिए 18 लाख है, 18 लाख और बनो। भाई बताओ हो सकता है क्या, जरा जोर से बोलो हो सकता है क्या। मित्रों, ये सदस्यता ही हमारी पार्टी के विकास का आधार है, और उसके आधार पर ही हम पार्टी को आगे बढ़ाए, इसके आधार पर ही चुनाव लड़े, इसके आधार पर ही हम विजयी हो। और मित्रों, इस बार सदस्यता हर बूथ को मजबूत करने के लिए, जहां हम मजबूत है वही सदस्य बनाते जाए ऐसे नहीं, जो बूथ हम हारे हैं वो बूथ के अंदर सदस्यता का लक्ष्य बूथ के हिसाब से तय करने का काम मंडल के लोगों ने बैठ कर करना है, जो मंडल निर्बल है उसको मजबूत करने का काम जिला का यूनिट ने बैठ कर करना है, और तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, नरेंद्र भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सदस्यता अभियान के लिए हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने कहा है हर बूथ को भाजपा से युक्त बनाओ, हर बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए सदस्य बनाने। देखिए, कई पार्टियां हैं जो एक पराजय आते ही बिखर जाती है, टूट जाती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, ABCD में एक भी अक्षर ऐसा नहीं होगा जिसके नाम पर कांग्रेस बने, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस वाई, कांग्रेस जेड, कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस आई, सारी ABCD बन चुकी। एक पराजय आते ही कांग्रेस विभाजित होती है और खंड खंड हो जाती है, तेलुगु देशम भी टूटा। हर एक पार्टियां पराजय को सहन नहीं कर पाती क्योंकि वो पार्टियां व्यक्तियों के आधार पर चलती है, परिवार के आधार पर, जातियों के आधार पर, और एक भारतीय जनता पार्टी है जो व्यक्तियों के आधार पर नहीं चलती, जाति के आधार पर नहीं चलती, प्रदेशवाद के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर चलती है और भारत मां को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न लेकर चलने वाली है। इसलिए हमारे पार्टी के जीवन में 1950 से लेकर आज तक कई पराजय आए, कई विजय आए, विजय से हम निराश नहीं हुए, पराजय से हम अहंकारी नहीं हुए, हमारी यात्रा अहर्निश शाश्वत रूप से चलती है। एक जमाना था जब हमारी दो सीटें थी,
संसद के अंदर मुझे आज भी याद है, मैंने दूरदर्शन में देखा था, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताना लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी परिवार नियोजन में मानती है, हम दो हमारे दो यहां आ गए दो बाहर रह गए। अटल जी अडवाणी जी के लिए तंज कसते, तंज कसने वालों को आज विपक्ष का नेता का पद भी नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ है। देश के 16 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है और इसका कारण हमारी पार्टी का आधार, चलने का आधार व्यक्ति नहीं रहा, जाति नहीं रहा, परिवार नहीं रहा। हमारी पार्टी चलने का आधार हमारी विचारधारा और हमारा संगठन रहा और इस संगठन की मूल रचना, इस संगठन की मूल शुरुआत सदस्यता से। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट, 1650 पार्टियों के जंगल के अंदर एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव समय पर होते हैं, संविधान के हिसाब से होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से। हमने हमारी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बचाकर रखा। दो प्रकार की सदस्यता होती, एक तो 6 साल के बाद सारे सदस्य अपने आप